दूरियों पर जीत हासिल करने का अपना संकल्प भारत हाई स्पीड रेल परियोजना से पूरा करने जा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के सफल प्रयास से शुरू ये परियोजना मेक इन इंडिया, कौशल विकास, स्वच्छ भारत मिशन के अलावा रोजगार के अवसरों को भी नई रफ्तार देगी। जापान सरकार के बड़े अंशदान से 1,08,000 करोड़ का ये विश्व स्तरीय हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट ऐसा संकल्प है जिसमें महाराष्ट्र गुजरात के साथ ही देश की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समृद्धि की बड़ी संभावनाएं हैं। इसमें 24,000 करोड़ रुपए का निवेश अकेले महाराष्ट्र में होगा। बीकेसी, थाने, विरार और बोईसर होते हुए ये हाई स्पीड बुलेट ट्रेन 2 घंटे में साबरमती पहुँचेगी। 320 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन पहाड़ों में बनी 8 सुरंगों और मैंग्रेव वाले समंदर के अंदर सुरंग से गुजरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। समंदर के अंदर की सुरंग 21 किलोमीटर लंबी होगी। ये परियोजना महाराष्ट्र के पर्यावरण के लिए भी उपयोगी होगी, जिसमें लाभान्वित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसी बुनियादी जरूरतों की बेहतर सुविधाएं भी दी जाएंगी। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के समानांतर 4 मीटर चौड़ी सड़क का प्रावधान है, जो इमरजेंसी में वरदान साबित होगा और राज्य के आर्थिक समृद्धि का रास्ता भी बनेगा। इसके साथ ही परियोजना से सड़कों पर वाहनों का बोझ कम होगा, जिससे ईंधन की बचत होगी और साथ ही शहरों के बीच एक नई कार्य संस्कृति भी विकसित होगी। बदलते भारत, समर्थ भारत की राह को आसान करती ये परियोजना हजारों लोगों को रोजगार देगी। दुनिया भर के तमाम मुल्कों के बीच इस परियोजना से भारत की मजबूत और समृद्ध तस्वीर उभरेगी, जिसमें होगी करोड़ों लोगों की तरक्की की कहानी।